अच्छा अब आ रही है तो हमारी आवाज़ नहीं बंद की जा सकती <laughs> मेरे लिए एक बड़ा खुशगवार तजुर्बा है कि मैं बाचा खान के हवाले से बात करूं, जिसकी एक बड़े तवील अरसे से ख्वाहिश भी थी कि उनकी फ़िलासफ़ी उनके नजरिए, उनकी फ़िक्र उनके अदराक उनके अफकार के हवाले से जो है वो बात की जाए पढ़ी जाए सुनी जाए जो कि बहुत कम सुनने को मिलता है सो so, जब मेरा पहला तारुफ बाचा खान के साथ हुआ कोई बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी शुरूर की पहली मंजिलों पे थे यानी कॉलेज में थे और हमारी कुछ दोस्त ख़वातीन थी जो कि ए एन पी या बाचा खान के फ़लसफ़े पे बहुत यकीन रखती थी आ, उनके साथ बहुत बहस होती थी तो जो पहला तारुफ उनसे हुआ उससे पहले जो तारुफ था वो ये था कि जो नफॉर्चुनेटली हक के दौर में पैदा होने वाले हर बच्चे को बताया गया था गद्दार काफिर और सरहदी गांधी और ये वो सब जो कि बाचा खान के साथ लाहके लगाए गए थे उस ज़माने में और अनफॉर्चुनेटली आमरीतों में उन सारे हवालों को जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया उसकी वजह ये थी कि बाचा खान जो थे उनकी फ़िक्र और सोच इतनी आज़ाद थी कि आमरीत को उससे खौफ आता था और उस खौफ की वजह से उस सोच पे पहरे लगाने की कोशिश की गई और जब सोच पे पहरे लगाए गए तो जाहिर है कि जिस तरह से पाकिस्तान के सियासतदानों या बहुत सारे रहनुमाओं के बारे में एक गलत मुहिम चलाई जाती है उस मुहिम का शिकार बाचा खान को भी बनाया गया लेकिन वो इतने बड़े थे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा बाचा खान की फिक्र इतनी ऊंची थी कि बोने उनको छू नहीं सके बाचा खान के अफकार इतने बुलंद थे कि कोताह कद जो थे वो उन तक पहुंच नहीं सके कम फहम कम इल्म, उनकी सोच उनके अफकार उनकी, उनकी आदर्श जो थे उनका अदराक नहीं कर सके तो मुझे कहने दीजिए कि एक बहुत बड़ी शख्सियत के ऊपर हम जैसे कम इल्म अब बोल रहे हैं तो माफ कर दीजिएगा कहीं पे अगर कुछ भूल चूक हो जाए बा, बाचा खान गद्दार थे बाचा खान गद्दार नहीं थे बागी थे बागी और गद्दार में बड़ा फर्क होता है गद्दार अपनी कौम अपने मुल्क अपने वतन अपने आइन अपने अफकार का गद्दार होता है बागी उस हर सोच उस हर फिक्र उस हर पैगाम की बगावत करता है जिसमें में कि जो इंसानियत है जिसके अंदर जमहूरीत है जिसके अंदर एक मिसालियत पसंदी को जो चैलेंज कर रहे हों उनको जब चैलेंज किया जाता है तो उसको हम बागी कहते हैं तो आज एक करेक्शन ये ज़रूर होनी चाहिए कि गद्दार उनको कहने वालों को कहा जाए कि वो गद्दार नहीं थे वो बागी थे वो बागी थे आमरीतों के बागी थे वो बागी थे उस सोच के बागी थे जो कि तशद पे उभारती थी उस सोच के बागी थे जो सोच को की फिक्र की परवास को रोकती थी तो मेरा ख्याल है कि पहला तो तारुफ मेरे लिए उनका बागी का था क्या बाचा खान काफिर थे बाचा खान से बड़ा मुसलमान तो हमने देखा ही नहीं और मैं एक पंजाबी होते हुए ये बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने उनको समझा है किसी हद तक किस इसलिए मैं ये बात कर रही हूँ उनसे बड़ा हमने इस्लाम पसंद इस्लाम दोस्त और मुहब रसूल नहीं देखा ये जो अदम तशद का असल फ़लसफ़ा बादशाह ख़ान ने लिया इसके असल प्रचार कर तो ख़ातिम्बीन थे उन्होंने रियासत मदीना का नारा नहीं लगाया उन्होंने रियासत मदीना का नारा नहीं लगाया एक मुहब रसूल की तरह अमल करके दिखाया उन्होंने रियासत मदीना के नारे पर सियासत नहीं की बल्कि उन्होंने उस फलसफे का प्रचार किया जिसका रसूल अरबी हमेशा कहा करते थे कि अगर कोई एक तमाचा मारे तो दूसरा तमाचा सामने कर दो और मुझे ये पढ़ के बड़ा खुशगवार मुझ पर हैरत हुई कि लोग कहते हैं कि गांधी अदम तशद के फलसफे पे यकीन रखते थे गांधी ने यह फलसफा किससे लिया वो किसी को नहीं पता गांधी खुद कहते हैं कि मैंने ये फलसफा बाचा खान से लिया तो ये जो एक फलसफा है और फिर एक ऐसे माशरे में जिंदा के एक ऐसी जगह पे बैठ के जहां पर इसल को जेवर समझा जाता हो जहाँ पे रिवायत को मजहब से ज्यादा बड़ा दर्जा दिया जाता हो जहां अकदार जो थे वो इतने सख्त हो जाए कि आप के नजरियात पीछे रह जाए उस माशरे उस माहौल के अंदर बैठ के अदम तशद का वो फलसफा देना के सामने हथियार पड़ा हो और उनका हामी उनका फॉलोअर उस हथियार को पकड़े नहीं इससे बड़ा सेल्फ कंट्रोल क्या होगा इससे बड़ी जद्दोजहद और जिहाद क्या होगा कि आप इस बात के ऊपर यकीन रखें कि आपका असलहा जो आपका जेवर है वो आपके सामने पड़ा है लेकिन आपने इसको उठाना नहीं है ये पख्तून के लिए इससे बड़ा चैलेंज बाचा खान ने कोई दिया नहीं था इतना बड़ा चैलेंज इतना बड़ा काम कि आपने पख्तून का जेवर साइड पे करा दिया और आपने कहा कि चलो अब अपनी सोच से लड़ो अपने बयान से लड़ो अपने अंदाज से लड़ो ये वली किया करते हैं ये काम इंसानों के नहीं है इंसानों में छुपे वलियों के हैं एक ऐसी फौज बना दी जो ये नहीं कहती थी गिराओ जलाओ आग लगाओ बल्कि एक ऐसी फौज बनाई जो कहती थी कि हम खुदा के खिदमतगार हैं और हम खुदा के पैगाम को मोहब्बत के पैगाम को इंसानियत के पैगाम को अदम तशद के पैगाम को फैलाना चाहते हैं रोशन ख्याली की बुनियाद रखी सोच पे लगे हुए पैरों को उठाने की कोशिश की और ये बादशाह खान जो थे उन्होंने इस फलसफे की बुनियाद रखी जो कि पख्तूनों के लिए खाब था वो ताबीर लेके आए So, खुदाई खिदमतगार गार उन्होंने बना दिए जो जगह जगह खुदा का प्रचार करते थे तशद के फलसफे को बता के लेकिन साथ में चैलेंज करते थे देखिए तारीख में वही लोग नाम बनाते हैं और उन्हीं से लोगों को खौफ आता है उन्हीं से लोग खौफजदा होते हैं जो अपने हाथ का इस्तेमाल सिर्फ कलम की हद तक करते हैं अपने जहन का सोच की हद तक करते हैं अपने जुबान का अल्फाज की सूरत करते हैं इससे बड़ी ना जंग है इससे बड़े बड़ा ना कोई जिहाद है और ना ही इससे बड़ी कोई जद्दोजहद है जो कि बगैर हथियार के की जाती है और उसी सोच को उसी अफकार को उसी नजरिए को उसी बयान को जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है और यही बाचा खान के साथ हुआ उनको इसी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की तो खौफ बाचा खान के नजरिए से था कि किन को जिन्होंने अपने तशद्द की बलबूते के ऊपर जो है वो सियासत करने की कोशिश की खौफ उस सोच के साथ था जो कि चैलेंज करती थी कि हथियार के बगैर बात करके दिखाओ हथियार के बगैर अपना प्रचार करके दिखाओ हथियार के बगैर अपनी सोच को फैला के दिखाओ तो यही हुआ आमरीतों के दौर में इस्टेबलिशमेंटों के दौर में यही कुछ होता रहा कि इसी तरह से आप बाचा खान को कंट्रोल कर सकते हैं वरना वो तो ऐसी परवाज है जो कि आसमान तक जाती है और फिर इंसानों के जहनों में बैठ जाती है एक सोची समझी कोशिश के तहत पूरे मुशरे को शाह दौले का चूहा बनाने की कोशिश की गई उनके दिमागों को झगड़ने की कोशिश की गई पहले इस फिक्र को कंट्रोल करने के लिए और जब ये कंट्रोल नहीं हुई तो फिर कहा कि ऐसे लोगों को ले आओ जो हथियार को वाकई जेवर समझते हैं और इस्तेमाल करते हैं ऐसे लोगों को ले आओ जो बच्चियों की तालीम के खिलाफ हैं ऐसे लोगों को ले आओ जो कि हमारी बात को आगे पहुंचाएं यानी कि तशद को प्रमोट करें जो जमहूरीतों के मुखालिफ हों जो कि इंसानियत की बात ना करें जो ताकत के बलबूते के ऊपर सियासत करें तो एक ऐसी सोच की बाकायदा बाजाबता तरीके से परवरिश इस माशरे के अंदर की गई ताकि बादशाह खान की जो उनकी जो उस थे उनकी जो सियासत थी उनका जो नज़रिया था उसको शिकस्त दी जा सके वो खुदा, खुदाई खिदमतकार बनाते थे और आज हमने खलाई खिदमतार बनाए यही वजह है कि जब वो बाचा खान की सोच पीछे हटी तो पख्तूनख्वा उन लोगों के कंट्रोल में आ गया जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं था तशद से ताल्लुक था वो जो सहूलतकार थे वो जो पीछे बैठ के उनकी सहूलतकारी करते थे जो तालबनाइजेशन पर यकीन रखते थे जो उनको दफातर खोलने की बात करते थे और आज भी उनका गठजोड़ जो है उनके साथ है ये इसी सूरत हुआ अब अगर आज के दौर में बाचा खान होते तो वो क्या कहते मैं ये सोच रही थी आते हुए कि बाचा खान अगर आज के दौर में होते तो वो क्या कहते वो सवाल पूछते वो सवाल पूछते कि वो पख्तूनख्वा कहाँ गया जिस पखतूनख्वा में एक ऐसा वर्कर भी था अब्दुल गफ्फार खान कि जिसने हथियार उठाते हुए मजबूरी में वो हथियार नहीं उठा पा रहा था खुदकुशी कर ली हथियार नहीं उठाया एक ऐसा वर्कर भी था ना तारीख में मिलता है हमें तो बाचा खान पूछते कि आज वो वर्कर कहाँ है वो लोग कहां है जो कि बाचा खान के फलसफे पर अमली यकीन जो थे वो करने वाले थे तो मेरा ख्याल है मुख्तसरन कि आज अगर पखतूनखा की सियासत को देखें पखतूखा के माशरे को देखें तो आज हमें बाचा खान की पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरत है और उसकी वजह उसकी वजह वो फ़लसफ़ा है वो नज़रिया है वो सोच है जो कि आज एक मरतबा फिर जब खैबर पखतूनखवा में दहशत गर्द इकट्ठे हो रहे हैं और उनके सहूलतकार भी इकट्ठे हो रहे हैं तो इस नज़रिए को शिकस्त दी जाए और ये बताया जाए कि बाचा खान जो है वो आज भी ज़िंदा है अब हम देख क्या रहे हैं कि खैबर पख्तूनखा में जो अभी पश्तों में कुछ भाई मेरा बोल रहा था मुझे समझ में नहीं आई लेकिन जो जगह जगह लोग निकल रहे हैं बाजोड़ में सवात में अपराइजिंग एग्जैक्टली जो ये हो रही है ये जो वजीरिस्तान में निकल रहे हैं कि जैसे ही उनको लगता है कि दहशतगर्द दोबारा इकट्ठे हो गए हैं तो वो सबके सब जो है वो सड़कों पर निकल रहे हैं उनके पास शायद रहनुमा नहीं है वो खुद निकल रहे हैं इसका मतलब यह कि वो बाचा खान के फलसफे पर आज भी पैरो उसके पैरोकार हैं उनके हाथों में इसलह नहीं है उनके पास कोई हथियार नहीं है लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं बाजार में और वो चैलेंज करते हैं दहशत गर्दों को निहत्ते तो इसका मतलब यह है कि वो बाचा खान के आज भी मानने वाले हैं तो फिर उनको राहबर चाहिए उनको रहनुमा चाहिए उनको फलसफा चाहिए उस फलसफे का प्रचार चाहिए वो नज़रिया चाहिए जो कि बाचा खान दे के गए थे तो समेटते हुए गुफ्तगु को मेरी दरख्वास्त है कि बाचा खान को पंजाब में भी पढ़ाया जाए दिलचस्प बात तो ये कि ज्यादातर पंजाबी भी आज उसी फलसफे पे यकीन रखते हैं बाचा खान उस वक्त की इस्टबलिशमेंट के खिलाफ थे आज थोड़ी बहुत इस्टेवरिश्में, टी कहें या कुतों के खिलाफ जो तासुर पंजाब में उभरा है तो असल में वो बाचा खान के ही पैरोकार हैं तो बाचा खान उनको पढ़ाइए बाचा खान उनको समझाइए और जो काम ए एन पी अपनी पिछली हुकूमत में नहीं कर सकी और हम उस वक्त कहते भी रहे वो अब उनको अगर अगर वो आ गए वापस तो उनको करना चाहिए और वो क्या काम है कि सिलेबस का हिस्सा बनाइए बाचा खान को और एमल वली खान साहब यहां पे है नहीं है पीछे खड़े हैं खुदाई खिदमत गा रहे हैं आज उसी तरह से खुदाई खिदमत गा रहे हैं और ये सिलेबस के अंदर मलाला को भी पढ़ाएं इसी तरह से आप जित ये इसका अपने मंशूर का हिस्सा बनाए बाचा खान को बताने की ज़रूरत है मैं अभी बड़ी आपको दिलचस्प बात बताऊं जब मैं यहाँ आ रही थी कल तो मुझे तीन चार बच्चों के मैसेजेस आए उन्होंने कहा जी आप आ रही हैं वहां पे हम भी आएंगे बाचा खान के लिए तो बाचा खान जिंदा हैं बाचा खान के दौर में हम जिंदा नहीं थे लेकिन बाचा खान आज के दौर में जिंदा हैं इसको समझने की जरूरत है बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच हमारे साथ शेयर की सलेबस की बात की आसमां ने अवामी नेशनल पार्टी के दौर हकूमत में हमने न सिर्फ एजुकेशन का सब्जेक्ट को प्रोव प्रोवेंशल बनाया बल्कि इन सारे हीरोज इंक्लूडिंग बादशाह खान को हमने करिकुलम में निसाब में टेक्ट बुक्स में शामिल कराया लेकिन बदकिस्मती से पीर जिनको लाया गया उन्होंने सिंगल नेशनल करिकुलम जो दिया हम तो समझते हैं कि वो अवामी नेशनल पार्टी का जो इनिशिएटिव था उसके खिलाफ ही इस सिंगल नेशनल करिकुलम को लाया गया एजुकेशन को दोबारा सेंट्रलाइज करने की कोशिश की गई और ये जो हुकूमत रही दस साल यहाँ पर तो चार साल में